कांग्रेस पार्टी से सीट बंटवारे को लेकर चल रही खटपट के बीच समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए 16 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी। प्रत्याशियों की लिस्ट में डिंपल यादव, अक्षय यादव, धर्मेंद्र यादव का नाम भी शामिल है, जो यादव परिवार से ताल्लुक रखते हैं। डिंपल यादव को सपा ने अपनी परंपरागत सीट मैनपुरी से उतारा है, जहां से डिंपल फिलहाल सांसद हैं। वहीं धर्मेंद्र यादव, जो कि अखिलेश के चचेरे भाई हैं, उन्हें बदायूं सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। तो रामगोपाल के बेटे अक्षय यादव को फिरोजाबाद सीट से उतारा गया है। एक एक कर सूची पर नजर डालें तो संभल से शफीकुर रहमान बर्क, फिरोजाबाद से अक्षय यादव, मैनपुरी से डिंपल यादव, एटा से देवेश शाक्य, बदायूं से धर्मेंद्र यादव, खीरी से उत्कर्ष वर्मा, धौरहरा से आनंद भदौरिया, उन्नाव से अन्नू टंडन, लखनऊ से रविदास मेहरोत्रा, फरुखाबाद से नवल किशोर शाक्य, अकबरपुर से राजा रामपाल, बांदा से शिवशंकर पटेल, फैजाबाद से अवधेश प्रसाद, अम्बेडकर नगर से लालजी वर्मा, बस्ती से राम प्रसाद चौधरी, गोरखपुर से काजल निषाद। वहीं सीटों के ऐलान से पहले समाजवादी पार्टी ने आरएलडी के साथ गठबंधन में लोकसभा चुनाव में उतरने का ऐलान किया था। वहीं समाजवादी पार्टी ने 2019 में जिन 5 सीटों पर जीत हासिल की थी, उनमें से मैनपुरी, रामपुर, आजमगढ़, संभल और मुरादाबाद की सीटें थी। इनमें से आजमगढ़ और रामपुर सीट से अखिलेश यादव और आजम खान के इस्तीफे के बाद हुए उपचुनाव में बीजेपी के खाते में चली गयी। वहीं मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद सपा की डिंपल यादव मैनपुरी सीट को बचाने में कामयाब रही थी। वहीं घोषित 16 सीटों में 2 ऐसी सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए गए हैं जिन पर सपा का पहले से कब्जा था। वहीं कांग्रेस को भी अखिलेश ने 11 सीटों का ऑफर दिया था, लेकिन फिलहाल इस पर कांग्रेस की तरफ से मुहर नहीं लगाई गई। ऐसे में सपा ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।